उज्जैन और फिर जयपुर। अच्छा। जयपुर का जंतर मंतर सबसे लास्ट में बनाया, सबसे बड़ा बनाया और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट आज भी काम कर रहे हैं और ये बनाया था 1728 में, 300 वर्ष पहले, 300 ईयर्स पहले। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बना हुआ देख रहे हैं आप, ये वाला, ये घड़ी बना हुआ है, सूजो घड़ी। और ये घड़ी है ना, ये टाइम बताएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। अभी कैसे टाइम बताएगा, आइए देखते हैं। इधर ये मार्बल लगा हुआ है ना, तो इधर वाला जो व्हाइट मार्बल दिख रहा है सर, ये सुबह का टाइम बताएगा। जैसे ऊपर देखो हिंदी में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है हिंदी का, तो नीचे 7, इधर के 8, इधर के 9, 10, 11 और 12। 12 बजे बाद उधर टाइम देखेंगे, है ना। तो ये हो गया एएम, इधर हो गया पीएम, है ना। अब इधर ये नंबर लिखा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसमें एक मार्बल ना सर, वो 1 घंटे का है। अब 1 घंटा नहीं है, इसका 4 भाग किया तो कितना मिनट हो गया, 15 मिनट। तो ये हो गया 15, 30, 45, 60 मिनट। और ये 15 मिनट है ना, इसका 3 भाग किया तो ये हो गया 5, 10, 15। फिर ये 1 मिनट है, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट। फिर ये सेकंड है, 20 सेकंड, मतलब हर 20 सेकंड तक टाइम बताएगा, है ना। अभी देखो इधर देखो छाया दिख रहा है, छाया, तो इस दीवार का जहाँ छाया गिरेगा ये टाइम बताएगा। अच्छा, अभी ये कितना बजा इधर, 12 बज के हो गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। तो 12 बज के 6 मिनट कहाँ का टाइम हुआ, ये जयपुर का टाइम है, लोकल टाइम, लोकल टाइम। इसमें कितना मिनट जोड़ना पड़ेगा, 39 मिनट, 39। फिर इंडिया का टाइम आ जाएगा, तो ये हो गया 7 मिनट, है ना। हाँ। 7 में कितना जोड़ना है, हाँ हाँ 46, तो हो गया 46। तो देखो आपकी घड़ी का टाइम 46 होना चाहिए, हो गया। देखते हैं, ये देखो 46। ये जयपुर का टाइम बताया है ना, लोकल का। अपना घड़ियों का जो टाइम है ना, ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड। ये परछाई दिख रही है ना, ये परछाई धीरे धीरे चलता जाएगा, टाइम मालूम होता है। प्लस टुडेज डिफरेंस इन टाइम इज, दिस इज 39 मिनट। अच्छा, ये रात को काम करेगा, है ना, रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे आप इधर से सीधा स्टेट आकाश में देखेंगे ना ऐसे, तो ये आपको ध्रुव तारा बताएगा, यानी पोल स्टार। और ध्रुव तारा कौन डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ, होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या बन गया, कॉम्पस। अच्छा, ये 24 घंटे वाला घड़ी है। अभी आपको मैंने जो सबसे पहले आपको जो घड़ी बता दी फर्स्ट वाला, वो घड़ी हमें कितने घंटे का टाइम बताएगा, 12 घंटे। इसी के कितना हो गया, 24 घंटा, 24 आवर्स। ये रात को मून लाइट पे चलता है और डे में सनलाइट, सन और मून दोनों का काम करेगा। ये बीच में देखो पाइप लगा हुआ दिख रहा है, पाइप, ये पाइप का छाया दिख रहा है, छाया देखो इधर, तो जहाँ पे पाइप का छाया गिरेगा ये टाइम बता देंगे। इधर देखो कितना बजा, 12। फिर हो गया 5 मिनट, है ना, 6, 7, 8, 9 मिनट हो गया, 12 बज के प्लस कितना जोड़ना है, 39 जोड़ना है। और ये घड़ी काम करेगा 24 घंटे,
बट ये काम करेगा 6 महीने, 6 महीने बाद घड़ी बंद, फिर इसके पीछे वाला घड़ी चलेगा उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये दिखे हो गया विंटर, उदी के हो गया समर। ये देखिए सर, इधर देखो अभी ये घड़ी काम नहीं करेगा। हाँ। इधर देखो सन का लाइट नहीं है ना, और 6 महीने तक यहाँ पे सन का लाइट नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका गर्म काल, उदी के शीत काल। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये घड़ी काम करेगा 21 मार्च। अच्छा, क्योंकि 21 मार्च को क्या होगा, नाइट एंड डे आर इक्वल। हाँ, रात और दिन समान हो जाएगा। फिर ये चलेगा 23rd सितंबर। हाँ, 23rd सितंबर तक चलेगा, है ना। जन्मदिन ये जो इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ देख रहे हैं, इसका नाम उधर लिखा हुआ है यंत्र राज। ये रात को काम करता है, ये रात को सभी ग्रह नक्षत्रों का जानकारी आपको दे सकता है। ये नाम तक बता देगा कि आप कौन नक्षत्र को देख रहे हैं। ये देखो नाम इसके अंदर लिखा हुआ है हिंदी में, अश्विनी, बृहिणी, रोहिणी, कृतिका, है ना। ये सर्कल बना हुआ है 360 डिग्री का, इसके बीच में लाइनें खींची हुई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब रात को क्या करेंगे, इस पर टेलीस्कोप लगाएंगे। ये जो होल है ना, होल बीच में, इस होल पे क्या लगा देंगे, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का एक मुंह तो ऊपर होगा ना, और एक मुंह, फिर टेलीस्कोप को धीरे धीरे क्या करेंगे, घुमा देंगे, है ना। फिर टेलीस्कोप से देखोगे आप, तो जो भी तारा दिखेगा ना टेलीस्कोप से, उसका नाम आ जाएगा कि आप कौन नक्षत्र को देख रहे हैं। और वो इसका रफ है उधर, पहले रफ बनाया, बाद में फाइनल बनाया गया। तो ये हो गया ट्रायल यानी प्रोटोटाइप। और ये जो इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाओ देख रहे हैं सर, ये वाला, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ये पार्ट ए बना हुआ है, उधर देखिए पार्ट बी बना हुआ है, ए और बी। पार्ट ए में आप जो मिसिंग मार्बल देख रहे हैं, मिसिंग मार्बल, तो इधर का मिसिंग मार्बल कहाँ है, इधर, और इधर का मिसिंग मार्बल इधर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्लोब। तो ये ऐसा ग्लोब हो जाएगा, है ना। इस ग्लोब को 2 में डिवाइड किया, हाफ इधर हाफ उधर। अभी आपको राशि बताएगा कि अभी सूर्य किस राशि में चल रहा है, वो तो ना अपने क्या बोलते हैं, जोडियक साइन, सन साइन। तो 12 राशि होता है ना, 12 महीना, 1 महीने का 1 राशि, 12 महीने का 12। अब राशि कैसे देखेंगे, ये बीच में देखो लोहे का प्लेट लगाओ, दिख रहा है, देखो हिल रहा है ना, इसको सन माना गया है पोजिशन ऑफ। इसका छाया दिख रहा है, छाया, वो देखो हो रहा,
अभी छाया देखो मिक्सिंग मार्बल में ना, व्हाइट मार्बल पे नहीं है। इसका मतलब अभी ये काम नहीं करेगा, फिर क्या करे, उधर जाएंगे है ना, फिर इधर का मिक्सिंग मार्बल उधर है ना, और जब वो बंद हो जाएगा तो उधर एक घंटा ये चलेगा। Because while standing over here, if you're not ascertain exactly the line number, yeah. The grid is in two parts cut down from both steps. Each unit will count line number. First line is line of Capricorn, dot line 0 degree, last line is 10. Same condition, 53.5 over there. ये देखिए सर, इसका छाया देखो वो रहा उधर है ना, और उधर ऊपर लिखा हुआ मीन राशि। मीन मतलब होगा इंग्लिश में Pisces, फिश राशि है ना, तो अभी सूर्य जो मीन राशि में चल। अच्छा मीन राशि स्टार्ट होगा 21 फरवरी से लेकर चलेगा 21 मार्च, यानी एक महीना। तो 21 मार्च तक जितने भी बच्चों का जन्म होगा उसका राशि क्या होगा, मीन राशि। और ये मेरा हाथ का परछाई देखो, ये मेरा हाथ का छाया दिख रहा है सर, ये वाला ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये इक्वेटर लाइन है। दिस लाइन इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर लाइन है नहीं है, इससे छह राशि ऊपर छह राशि नीचे, तो वो हो गया ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्कट क्रांति मकर क्रांति। अच्छा सुबह प्लेट का छाया ना, सुबह प्लेट का छाया उधर होता है, शाम को इधर। ये उसका बड़ा पार्ट है। आपको मैंने सबसे पहले जो घड़ी दिखाया था, घड़ी जिस साल में टाइम देखा था, वो कितने सेकंड का था, 20 सेकंड। ये उसका बड़ा बना दिया ना, इसका एक्यूरेसी आ गया 2 सेकंड। हाँ 2 सेकंड, मोदी के छोटा घड़ी के बड़ा, प्रोसीजर दोनों का सेम। मार्बल पे क्या करेगा, शैडो, जहाँ पे मार्बल छाया एक्चुअली सेम चीज है ना, पर वो छोटा ही है बड़ा। तो बाबा ये राशि बना हुआ है, राशि ये मीन राशि, ये उदी के वृश्चिक राशि, उदी के मकर राशि है ना, तो ये पूरा 12 राशि बना हुआ है मैडम। और ये जन्म पत्री बनाने में काम आता है, ये ना कुंडली पुष्टि बनता है ना, तो पुष्टि बनाने के लिए क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ से क्या देखा, राशि, उधर मीन राशि मिल गया, उधर से राशि मालूम करके इधर आ गया, इधर क्या देखेगा, टाइम कितने बजे उस बच्चे का जन्म हुआ। टाइम से क्या मालूम होगा, डिग्री मालूम होगा, इधर दीवार का छाया गिरेगा है ना, वो डिग्री बताएगा कौन डिग्री था उस बच्चे का जन्म हुआ। फिर उधर टेलीस्कोप लगाएंगे उधर, वो टेलीस्कोप क्या करेंगे, घुमा देंगे है ना, वो नक्षत्र बताएगा कौन नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। तो इधर जिस डिग्री पे जन्म होगा ना, उसी डिग्री पे क्या लगाना पड़ेगा, टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा। आगे भी जा रहा
और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं व्हाइट मार्बल में, ये उसका रफ मॉडल है इसका, वो राशि वाले का वो कटा हुआ था ना दो टुकड़ों में, उसका ये वन पीस है। मतलब पहले ये बनाया बाद में वो बनाया, और ये बीच पे जो रिंग लगा हुआ है चोरी, ये रिंग पहले घूमता था, मतलब इस रिंग को घुमा कर दक्षिण आयन में, लेकिन अभी इसको ताला लगा दिया। ताला क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट को बैठ कर झूला भी इसका नाम इधर लिखा हुआ है रामा यंत्र ए, मोदी के रामा यंत्र बी। अब ये बताएगा सन का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, कि सन कितना ऊपर आ गया। आगे लिखा हुआ है एजीमुथ, यानी कि रोटेशन, कि अर्थ कितना डिग्री घूम रहा है। तो सन का हाइट भी बता देगा, अर्थ का रोटेशन भी बताएगा। चलिए अंदर चले। चलिए दादा, ये बीच में पाइप लगा हुआ दिख रहा है आपको? बीच में देखो लोहे का पाइप लगा हुआ ना, इसका छाया देखो ये रहा, इधर डिग्री लिखा हुआ है। ये कितना डिग्री है? 35। ये कितना हो गया? 40। ये 45। ये 50 51 52 53 54 54 and half। अभी जो सूज जो है ना वो कितना ऊपर आ गया? 54 and half डिग्री। 30 मिनट। अब जैसे जैसे सन ऊपर आएगा, ये शैडो दिख रही है, ये नीचे जाएगा है ना, और राइट एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना सीधा। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जयपुर इक्वेटर लाइन पे नहीं है, जयपुर विषुव रेखा पे नहीं। और ये रफ मॉडल है इन दोनों का, है ना। इन दोनों को अलग अलग बनाने से पहले इन दोनों का एक रफ बनाया। अच्छा बाबा, शायद ने तो किसी घिसता नहीं। ए देखो बॉल दीजिए मुझे। और ये भी रफ मॉडल है। हाँ, ये किसका रफ मॉडल है? वो घड़ी का, 24 घंटे वाला, उत्तरायण और हाँ उसका यदि के रफ बनाया। बहुत उसका राजा जयसिंह ने दो पॉइंट बनाया, रफ बनाया और
दिखाई दे रहा है और आज भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में है। ये सनलाइट और मूनलाइट दोनों में काम करते हैं। तो ये था आपका जंत्र और वैसे एक प्रश्न था, वो जो राशि है ना, राशि का हाँ बारह राशि का एक एक सिंबल बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, वो सिंबल का कोई क्या अर्थ है? तो अर्थ क्या होता है कि जैसे मेन राशि है ना, तो रात को अपन स्टार्स की पोजीशन देखेंगे ना, तो उनका शेप कैसा नजर आएगा, मेन जैसा। अच्छा, इसलिए मेन का सिंबल दे दिया। अच्छा, ये शेप से कनेक्टेड। हाँ, और जैसे बिच्छू स्कॉर्पियो, हाँ तो स्कॉर्पियो जैसा शेप बनता है तो उसका एक स्कॉर्पियो दे दिया। अच्छा अच्छा, और एक प्रश्न है, ये जो घड़ी में जो सब है वो हिंदी में है, हिंदी में तो हिंदी क्यों? वो तो इंग्लिश का कोई कल्चर नहीं था, इंग्लिश का कल्चर नहीं था, हिंदी का था ना। अच्छा, इसको वो देवनागरी लिपि भाषा। हाँ, देवनागरी संस्कृत देवनागरी। अच्छा अच्छा अच्छा, और इंग्लिश में जो भी नंबर डाला गया ना वो 1901 में डाला गया। अच्छा हाँ, और वो जो बिल्डिंग है उस तरफ लंबे बिल्डिंग, वो उस बिल्डिंग है वो जंतर मंत्र के बाहर है। नहीं नहीं, ये बिल्डिंग है, ये हाँ, ये जो बिल्डिंग है, ये वाला ये लंबे बिल्डिंग, ये वाला दीवार बना हुआ है। तो ऐसे क्यों? ये पहले का डिजाइन डला हुआ है पुराना। अच्छा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं। मेरा प्रश्न का ये, कैसे डाला गया, क्यों डाला? एक्चुअली सर, ये पुराना जयपुर जो शहर देखोगे ना, वो वैसे ही बना हुआ कंगूरे टाइप में बना। अच्छा 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 अच्छा, ओके, थैंक यू, बहुत ही अच्छा।